और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुशील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली से मिल रही है। पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुशील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जूनियर पहलवान सागर की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी है सुशील कुमार। ओलंपिक पदक विजेता है सुशील कुमार। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय, बड़ा झटका है रोहिणी कोर्ट से सुशील कुमार को। पहलवान सुशील कुमार को वाकई में बड़ा झटका है, क्योंकि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। पहले सुबह इस पर दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि सुशील पहलवान के वकील और पुलिस की तरफ से अपने पक्ष रखे गए, अपनी बातें दलीलें रखी गई। उसके बाद रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 4 बजे का समय दिया था, और अब से थोड़ी देर पहले ही कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जिसमें कि सुशील पहलवान ने जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी उसको रद्द कर दिया है। यानी कि अब जो सुशील पहलवान है उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ती दिख रही है, क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन अब गिरफ्तारी ये कह सकते हैं कि लगभग तय है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस कब तक सुशील कुमार तक पहुंचती है, लेकिन जो उम्मीद थी सुशील कुमार को अग्रिम जमानत याचिका की, उससे फिलहाल सुशील कुमार को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। विनय, ये जो पूरा मामला है जूनियर पहलवान सागर की हत्या का मामला है, इसका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये जो पहलवान की हत्या का मामला है, ये जब बताया जा रहा है कि जो छत्रसाल स्टेडियम है वहां पे ये पहलवान आता था, और घटना जो 5 मई की बताई जा रही है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि 2 लड़कों ने फायरिंग की, हालांकि फायरिंग किसने की इस बारे में कुछ नहीं कहा, और पुलिस ने यह भी कहा कि एक स्कॉर्पियो कार भी मिली है, लेकिन अभी फिलहाल गवाह नहीं है। सुशील कुमार की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में एक अहम गवाह है, उसकी गवाही नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने कहा कि जिस गवाह की बात की जा रही है वो अभी घायल है, और जब वो ठीक होगा तो उसकी गवाही होगी। पुलिस ने जब सुशील कुमार की तरफ से दलीलें दी गई, तो सुशील कुमार की तरफ से ये कहा गया कि उनके उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है, लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि अगर उनको इस बात का डर नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर वो फरार क्यों है। तो ये तमाम पक्ष रखे गए, पुलिस ने भी अपने पक्ष रखे, और चूंकि ये कि जूनियर पहलवान की हत्या का मामला है, बताया जाता है कि सुशील पहलवान और कई अन्य लोगों के साथ स्टेडियम पहुंचे, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी बताया जा रहा है जिसमें घटना कैद हुई, तो ये तमाम गतिविधियां हुई। 5 मई का ये मामला है, और तब से सुशील कुमार भी फरार हैं। लेकिन अब जिस तरह से आज रोहिणी कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, तो जाहिर तौर पर बात है कि सुशील कुमार जो देश को 2 बार पदक भी दिला चुके हैं, उनकी मुश्किलें अब जरूर बढ़ गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय।